그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니 Hey everyone, welcome or welcome back to our channel. So, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी आप इन दो बोहो लुक कैसे क्रिएट कर सकते हो. So, yeah, without any further ado, let's get jump into this video now. ऑलराइट मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का प्राइमर लिया है. आप चाहो तो मॉइस्चराइजर को थोड़ा यूज़ करके अगर ऑयली स्किन है आपका तो सिर्फ आप इसको अप्लाई कर सकते हो. इसके बाद मैंने लैक्मे का 925 फाउंडेशन लिया है. शेड नेम मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी तो आप चाहो तो वहाँ से चेक कर सकते हो. फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारा फेस केक ही ना लगे, क्योंकि इस मेकअप में आपका जो बेस है वो एक्चुअली में बहुत अच्छा चाहिए होता है. तो थोड़ा सा टाइम लेके फाउंडेशन को अच्छी तरीके से आप ब्लेंड कर लो. इसके बाद मैं यहाँ पे के ब्यूटी का ये ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ करूँगी और मैं सिर्फ अपने अंडर आई पे फोकस करूँगी मेकअप को सेट करने के लिए. पूरे फेस पे बचा कुचा पाउडर मैं यूज़ करूँगी, सिर्फ अंडर आई पे फोकस करूँगी. और आप शायद सोच रहे हो मैं बाहर क्यों देख रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है तो मैं सोच रही थी कि लाइट ना चली जाए, आई मीन सनलाइट. इसके बाद यहाँ पे मैंने ब्लू हेवन का ये आईब्रो पेंसिल लिया है. ये बहुत ही अच्छा आईब्रो पेंसिल है, बहुत ऐशी कलर में है, ये काफ़ी बजट फ्रेंडली भी है. आपको इजीली ये मार्केट में मिल जाएगा, किसी भी कॉस्मेटिक के स्टोर में आपको ये अवेलेबल हो जाएगा या फिर ऑनलाइन पे तो अवेलेबल है ही. इसके बाद मैंने यहाँ पे इनसाइड का ये कंसीलर लिया है. कंसीलर को पहले मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी और मेरे आईलिड पे भी कुछ लगा लूँगी थोड़ा बचा कुचा, ताकि एक्स्ट्रा मुझे लगाने की ज़रूरत ना पड़े. इसके बाद मैंने हिलरी होटा का ये आई शेडो पैलेस लिया है और ये ब्राउन शेड और ये ब्लैक शेड मैं यूज़ करूँगी इस मेकअप में. पहले ब्राउन शेड को मैं अपने लिड के पूरे लिड पे मैं फैला दूँगी, अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी पहले ब्राउन शेड को. ब्राउन शेड को अच्छे से ब्लेंड कर लो ताकि वो क्रैक जो है वो ना दिखे क्रीज पे अच्छे से. इसके बाद मैं सिर्फ अपनी क्रीज पे, मतलब मेरा क्रीज जितना तक है आप देख सकते हो, मैं पुश करके अप्लाई कर रही हूँ, तो जितना मेरा क्रीज है सिर्फ उतने में मैं ब्लैक आई शेडो को लगाऊंगी, उससे ऊपर नहीं. आई शेडो को ब्लेंड होते देखना ना एक सेटिस्फेक्शन है, एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है अगर आपका आई शेडो अच्छी तरीके से ब्लेंड हो, देखने में भी काफी अच्छा लगता है, वरना वो क्रैक आ जाता है. सेम चीज मैं अपने दूसरे आई पे करूंगी. इसके बाद ब्रश में जो बचा कुचा आई शेडो था वो ब्राउन आई शेडो, उसको मैं लेके ना थोड़ा सा दोनों को मिक्स कर लूँगी ऊपर की तरफ से और आपके आउटर कॉर्नर पे थोड़ा मैं थोड़ा सा उसको ब्लेंड कर लूँगी, ताकि वो जो एक क्रीज बन चुका था, एक दाग आ चुका था वो ना रहे. इसके बाद मैं थोड़ा सा ब्राउन आई शेडो को लूँगी और अपने आई लैशेस के नीचे बिल्कुल वहाँ पर थोड़ा इसको लगाऊँगी, मतलब रन करूँगी. ब्लश का एक्चुअली यहाँ पे कोई काम नहीं है, मैंने यहाँ पे नायका का ब्लश यूज़ किया था. आप थोड़ा ब्लश लगाओ क्योंकि इसमें हाइलाइटर और आई मेकअप जो है यही एक्चुअली मेन है. यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का ये शिमर ब्रिक हाइलाइटर यूज़ किया है.
इसके बाद यहाँ पे मैं के ब्यूटी का ये कॉन्टोर स्टिक यूज़ करूँगी और मैं अपना फेस जो है एक्चुअली पहली बार कॉन्टोर करूँगी कैमरा पे, मैंने पहले कभी नहीं किया है। इस मेकअप में एक्चुअली कॉन्टोर करना ज़रूरी है ताकि आपका फेस जो है वो थोड़ा सा शार्प दिखे, ताकि आपका जो फोटोग्राफ हो वो बेटर आए। अच्छे से ब्लेंड कर लेना अगर आप कोई ऐसी क्रीमी कॉन्टोर यूज़ कर रहे हो तो, ताकि वो दाग ना दिखे लेकिन थोड़ा शार्पनेस भी रहे। कॉन्टोर करने से क्या होता है ना, जब भी आप फोटोग्राफ्स लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा शार्प और अच्छी आती है। देखा कैसे यहाँ पे एक शैडो दिखाई दे रहा है। इसके बाद मैं थोड़ा सा नोज़ को भी कॉन्टोर करूँगी थोड़ा सा, ताकि वो फोटोग्राफ्स में थोड़ा सा मेरा नोज़ जो है वो क्लाउन की तरह है, तो थोड़ा सा वो शार्प दिखे। मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा खेला है एक्चुअली आई मेकअप को लेके। यहाँ पे मैंने पिंक कलर का एक लाइनर यूज़ किया है आई लाइनर। अगर आप चाहो तो आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये क्या होता ना, पिंक कलर के आई लाइन को देने के बाद आपका जो आँखें, आप चाहो तो आई शेडो यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्या होता है ना, अगर आप आई लाइनर यूज़ करो पिंक कलर की या फिर आई शेडो यूज़ करो, तो आपकी जो आँखें हैं वो एक्चुअली थोड़ा अलग टाइप का और एक अलग लेवल पर वो लेके चला जाता है पिंक कलर अगर आप यूज़ करो तो। इसके बाद यहाँ पे मैंने इनसाइड का लिपस्टिक यूज़ किया है और यहाँ पे स्विस ब्यूटी का एक लिप लाइनर मैंने यूज़ किया है। लिपस्टिक को आप हमेशा इस मेकअप के साथ न्यूड ही रखना या फिर ब्राउन रखना, जैसे मैंने यहाँ पे ब्राउन रखा है, वरना वो अच्छा नहीं लगेगा अगर आप रेड में चले गए तो। इसके बाद मैं मस्कारा का अप्लाई करूंगी। मैंने यहाँ पे फॉल्स लैशेस को स्किप किया है क्योंकि मुझे किसी को डराना नहीं है, क्योंकि मेरे आई लैशेस एक्चुअली में बहुत बड़े हैं, मतलब एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, तो मस्कारा लगाने के बाद वो और भी ज़्यादा निखर के आता है, तो इसी वजह से मैंने फॉल्स आई लैशेस को स्किप किया है। मुझे लैशेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है वैसे, अगर आप चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो फॉल्स आई लैशेस। दिस इज़ द फाइनल लुक। ओ माई गॉड, लुक एट दिस मेकअप, सो बोल्ड। इसके साथ एक्चुअली आप ना बिंदी कैरी कर सकते हो, जैसे मुझे आदत है बिंदी कैरी करने का, तो अगर आप चाहो तो आप इसके साथ कैरी कर सकते हो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो मेरे इंस्टाग्राम पे एंड मेरे फेसबुक पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एज वेल एज मैं स्क्रीन पे भी मैंशन कर दूंगी। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। 고민이 생겼니?